जहां पर जारी अघोषित बिजली कटौती को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम में बीजेपी मानसिकता वाले अधिकारी घुसे हुए हैं, इसलिए ये समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार बिजली कंपनी और सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली के क्षेत्र में सरप्लस उत्पादन वाला राज्य है, इसके बावजूद बिजली कटौती हो रही है, तो इसके लिए बिजली विभाग जिम्मेदार है। और इस संबंध में श्रीचंद सुरमानी हमारे साथ सुंदरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। जिस तरह देखा जाए कि भूपेश बघेल जो कि बता रहे हैं कि जो बीजेपी मानसिकता के कर्मचारी अधिकारी जो बिजली विभाग में कर रहे थे, उनकी वजह से बिजली कटौती हो रही है, क्या मानते हैं आप इसे? देखिए, ये पूरी कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पूरा सवाल है जी। और इन्होंने थोक में तबादले किए, तबादला उद्योग चलाया, लगातार विफलताएं हो रही है सरकार की जी। और ये विफलताओं को छुपाने के लिए भाजपा पे आरोप मंड रहे हैं जी। भारतीय जनता ये बिजली सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये कानून व्यवस्था की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, इनकी हर क्षेत्र में विफलताएं, जो वादे किए थे उसे यू टर्न हो रहे हैं, लगातार तो विफल हो रहे हैं हर क्षेत्र में लोग जी। सुनील जी, क्या लगता है कि भूपेश बघेल सार्वजनिक तौर पर ये बात कहते नजर आते हैं कि जो बिजली विभाग में जो कर्मचारी हैं उनकी मानसिकता बीजेपी से जुड़ी हुई है, और वही अधिकारी हैं जो जानबूझकर बिजली काटते हैं, और साथ में जो पुरानी मशीनरी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार के दौरान कुछ मशीनें ऐसी थी जिसके कारण जी। देखिए, पूरा प्रदेश भाजपा में है, भाजपा सरकार 15 साल में जितने अच्छे काम किए लगातार उसके साथ हमारा पूरा जुड़ा रहा है। तो आज जिस प्रकार लोकसभा में इनकी पराजय हुई है, ये इसको बचा नहीं पा रहे हैं। वो तो एक बार गलती से इनको बहुमत दे दिया, 68 सीटें दे दिया जनता ने, क्योंकि 15 साल हम लोग सत्ता में थे, कहीं ना कहीं एक बार परिवर्तन के मूड में थी जनता जी। लेकिन वो परिवर्तन करके 4 महीने में ही कांग्रेस सरकार का मोह भंग हो चुका है जनता के बीच जी। सुमरा जी, हमारे साथ रुपेश गुप्ता जो कि रायपुर से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल कर सकते हैं। रुपेश, जिस तरह सीएम भूपेश बघेल ने जो बात कही है बीजेपी मानसिकता वाली, क्या लगता है उसको लेकर क्या कुछ आपके जहन में सवाल उठ रहा है जो कि आप पूछ सकते हैं? ना, बिल्कुल ठीक। देख, सवाल नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर भाजपा का भूत चढ़ा हुआ है जैसा कि सुंदरानी जी कह रहे हैं, तो कांग्रेस शासन को चाहिए कि वो भूत उतारे। भाजपा का भूत अगर अधिकारियों में है तो डंडा उनके पास है। लोग अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं तो क्या कर रही है सरकार? सरकार अपनी नाकामी खुद जाहिर कर रही है। और वाकई में सुंदरानी जी सही कह रहे हैं कि लगातार हर चीज को कि भाजपा के शासन काल के लिए हर चीज जिम्मेदार है, इससे आप बच नहीं सकते। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी नहीं बच सकते कि नेहरू ने ये किया वो किया, यानी कि जिस चीज का आप सेंट्रल में विरोध कर रहे हैं कहीं ना कहीं राज्य में वही काम कर रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है और इस बात का आकलन आपको करना पड़ेगा। अगर अधिकारी हैं ऐसे जो जानबूझ के गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो सजा के हकदार हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, या कुछ भी हो। सुनानी जी, एक सवाल मेरा ये जरूर है आपसे कि चूंकि बिजली का मुद्दा शहरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मतलब अगर खेती की बात की जाए तो वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा होता है, लेकिन ये बिजली एक ऐसी चीज है जो सबको प्रभावित करती है। आप बिजली बिल तो हाफ हो गया, लेकिन जो आप लोग कहते हैं कि बिजली ही हाफ हो गई, वो वाकई में चिंता का विषय है। आप लोग इस पे क्या आगे क्या इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो? आप लोगों ने कुछ प्लान किया है या सिर्फ आरोप तक ही सीमित रहेंगे? नहीं रुपेश जी, बिजली तो हाफ हो गई, बिजली बिल हाफ हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, क्योंकि किसी भी एक उपभोक्ता ने नहीं कहा कि मेरा बिजली बिल हाफ हुआ है। लेकिन लगातार ये बिजली कटौती के ऊपर दिग्भ्रमित करने वाले बयान दे रहे हैं, मतलब सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री नेता प्रतिपक्ष रहे और आज सबसे बड़े वरिष्ठ मंत्री है टीएस सिंहदेव बाबा, ये बयान दे रहे हैं कि श्रीचंद सुंदरानी के घर की बिजली 2 बार बंद हुई, कभी बंद नहीं हुई, आप कटौती नहीं है, इस प्रकार की बातें मेरा नाम लेके बोलते हैं।
मतलब प्रदेश के इतने बड़े मंत्री, कद्दावर मंत्री, हमारे बयान के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि श्रीचंद उंधरानी के घर में बिजली कटौती नहीं हुई है, तो सरकार की स्थिति पे बड़ा तरस आता है, मानसिकता पे तरस आता है, सरकार किस दिशा में चल रही है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सड़क पे संघर्ष करेगी। सुंदरानी जी, पहले आदमी आप हैं जो ये कह रहे हैं कि उपभोक्ताओं की बिजली कम नहीं हुई है, क्योंकि उपभोक्ताओं की बिजली तो आधी हो चुकी है, मेरे घर का बिजली हाफ हो चुका है, और मेरे ख्याल से भाजपा के 10-12 नेता भी ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि जिनकी खपत 400 यूनिट से कम है उनका बिजली बिल हाफ हो चुका है, और शायद ये अप्रैल के महीने से हो रहा है। लेकिन दूसरी बात है, चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं बिजली की समस्या को लेकर के, एक सवाल मेरा ये है कि गर्मी के मौसम में अक्सर ये चीज होता है, एक मिनट मेरा सवाल सुनिएगा जी, कि बिजली बिल, बिजली जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे घंटे दो घंटे काटी जाती है, आपके पास क्या सूचनाएं आ रही हैं? और दूसरी चीज की अंबिकापुर का जिक्र करूंगा, जब पिछले साल अमित शाह आने वाले थे और रोड शो करना था तो कम से कम 3 महीने अंबिकापुर में 2 घंटे से 5 घंटे तक बिजली गुल रही है, यानी कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी सरकार में बिजली गुल हो रही है, लेकिन हाँ वाकई में जो आर्स बढ़े हैं, जो घंटे बढ़े हैं बिजली कटौती के, वो वाकई में चिंताजनक है। तो मैं आपसे यही चीज पूछ रहा हूँ कि बिजली के मसले पर क्या भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी, या 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद लड़ने की आदत खत्म हो चुकी है? नहीं नहीं, हम लड़ेंगे, हम संघर्षशील लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेगी। यानी कि माना जाए कि जो सुंदरानी जी है, जो जिस तरह से बीजेपी मानसिकता वाली जो बयान सीएम भूपेश बघेल का सामने आया, उसके बाद बीजेपी सड़क पर आने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश गुप्ता और साथ में सुंदरानी जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।